देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अभी तक सरकार ने जो उपाय किए हैं, लॉकडाउन हो, आर्थिक पैकेज की बात हो, उसको लेके जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र में सवाल उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब आपातकाल हो, ऐसे समय में ऐसा नहीं लगना चाहिए देश को और देश के लोगों को कि राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों या विपक्ष के हों, वो कोई चुनाव जैसी राजनीति में आपस में उलझे। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाना, मुझे लगता है ये सही समय नहीं है। ये समय है देश की एकजुटता का। राजनीतिक दल भी एकजुट हों, पूरे देश के लोग एकजुट हों और विपक्ष कुछ चीज़ों को चुनाव के वक्त के लिए अभिस्थगित कर दे और सत्ताधारी दल भी विपक्ष का पूरा सहयोग ले और लोगों का सहयोग ले। बहुत संतोष की बात यह है कि हमारे देश में मामले जो है कोरोना पॉजिटिव के 1,25,000 को पार कर चुके हैं, लेकिन मृत्यु का प्रतिशत जो है अभी सिर्फ 3% है। बाकी दुनिया की तुलना में हम अभी भी बेहतर स्थिति में हैं। हमारे देश के पास वो ताकत है, हमारे लोगों के पास वो ताकत है, हम हर तरह के संकट से लड़ सकते हैं और इस बार भी हम लोग वही कर रहे हैं और वही करने की ज़रूरत है। भारतीय मूल्यों पर भरोसा करें, सरकार का साथ दें, सभी एक दूसरे का सहयोग करें। घर से बहुत ही आवश्यक हो तो बाहर निकलें, एक जिसको कहते हैं कि एक फिजिकल डिस्टेंस बनाकर हम लोग कामकाज करें, मैं उसको सोशल डिस्टेंसिंग जैसा नहीं कहता हूँ, शारीरिक दूरी है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की मदद करें, जिनको मदद हम कर सकते हैं उनकी मदद करें। उसी वजह से भारत के सामने भी संकट है, अभी कोई वैक्सीन का इजाद हुआ नहीं है। ऐसे समय में लोगों को ठीक रखना, अर्थव्यवस्था को ठीक रखना, जो गरीब लोग हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है, उनके लिए उपाय करना और अभी तक जो किया गया है अच्छा हुआ है तो उसकी तारीफ करना, जो ठीक नहीं हो पाया उसको अब आगे के लिए दुरुस्त करना, ये पूरे देश का मकसद होना चाहिए। मीडिया का भी, राजनीति का भी और सारा जो हमारा तंत्र है उसकी भी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जो इस देश का आम आदमी है बहुत समझदार है, मुझे उम्मीद है इस संकट से हम सब लोग मिलकर पार पा सकेंगे। राजनीति के लिए बहुत वक्त होगा, आगे के जब कभी चुनाव आएंगे तो एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो होते ही हैं, लेकिन ये संकट का समय है और इस संकट से निपटने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। अपने अपने राजनीतिक कार्यकर्ता, जो जिन जिन दलों के कार्यकर्ता हैं, उनको भी इस देश के काम में एकजुटता आपस में दिखानी चाहिए पूरी दुनिया के सामने, और हम एक दूसरे की मदद के लिए भी एकजुटता प्रदर्शित करें। यही समय है। मेरा आग्रह है हमारे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे की सहयोग करने का है। मेरा मानना है कि संकट है, आर्थिक संकट भी है, रोजी रोटी का भी संकट है, लेकिन इससे हम सब लोग मिलकर ही पार पा सकेंगे। सत्ताधारी दल की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो दूसरे दल हैं या दूसरे संगठन हैं सबको साथ में लेकर सबसे बातचीत कर, लेकिन एक स्वार्थ की राजनीति से फिलहाल परहेज करें, ये मेरा आग्रह है। निश्चित ही हमारे देश में वो शक्ति है, हम इस संकट से भी पार पा सकेंगे और नए सिरे से भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में जो खड़े होने का हमारा स्वप्न है, हर नागरिक चाहता है, हर देशवासी चाहता है कि हमारा देश शक्तिशाली संपन्न देश बने, निश्चित रूप से उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये हो पाएगा। जय हिंद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।